आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिक दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो बच्चों, हमारे जो शूरवीर हैं आप लोग, आपका बसंत तो तभी होता है जब एग्ज़ाम जो आप दें उसमें आप बढ़िया नंबर लाएं, और अगर उसका फ़ायदा रिवॉर्ड भी मिल जाए तो क्या कहने। तो बच्चों, यू स्टार जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था उत्कर्ष का, बढ़ चढ़ के उत्साह से आप सब बच्चों ने उसमें भाग लिया और बहुत सारे बच्चों ने शानदार रिजल्ट प्राप्त किए हैं, स्कॉलरशिप्स प्राप्त की हैं। तो इंतज़ार था बहुत दिनों से कि कब वो दिन आएगा जब उसके रिजल्ट्स और फेलिसिटेशन होंगे बच्चों। तो वो दिन आ रहा है 13 मार्च, यानी बस कुछ ही दिन बाद में फेलिसिटेशन उनको भी उपहारों से और सम्मान से नवाजा जाएगा जिन बच्चों ने शानदार परिणाम प्राप्त किया है यू स्टार में। और उसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी उस दिन है, क्योंकि सभी पेरेंट्स भी अब असमंजस में हैं कि पेंडेमिक के बाद, महामारी के बाद शिक्षण कैसा होगा, व्यवस्था कैसी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात किस तरह से हमारे बच्चों को तैयारी करनी है, किस तरह से उन्हें गाइडेंस मिल पाएगी, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे वो परीक्षा में यू स्टार में जैसे श्रेष्ठतम परिणाम आया है आगे अपना नीट और जेई यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड में भी वो अपना कैसे बेस्ट रिजल्ट ला सकें। तो सभी पेरेंट्स के मन में ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब दुर्भाग्यवश अभी उनके पास नहीं है, पर बस थोड़े से दिन का इंतज़ार, 13 मार्च को ही ये पूरी परिचर्चा होगी पेरेंट्स के लिए, जिसमें समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि अब शिक्षण कैसा होगा, व्यवस्था कैसी होगी, क्या पेरेंट्स को करना चाहिए ताकि उनके बच्चों के रिजल्ट्स के लिए वो टेंशन फ्री हो जाए, आश्वस्त हो जाए। उत्कर्ष क्लासेस हमेशा बच्चों के आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए तो कार्य करने को तत्पर रहता ही है। इस बार हम पेरेंट्स के लिए भी लेकर आ रहे हैं ये विशेष सेमिनार 13 मार्च 2022 जोधपुर में। तो बच्चों, आप सबको तो इंतज़ार है ही, पर अपने पेरेंट्स को भी अगर नहीं अवगत हों, वैसे तो सबको पता चल गया होगा अब तक, तो ज़रूर उन्हें बताएं और उन्हें ज़रूर लेकर आए इस सेमिनार में, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी और आपका रिजल्ट किस ट्रैक पे जाने से प्राप्त होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।